इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके पूछने लगा, या अली, वो कौन सा इंसान है जिसकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, फौरन कबूल कर देता है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिस इंसान में दो खूबियां होती हैं अल्लाह उस इंसान की दुआ फौरन कबूल कर लेता है, कभी रद्द नहीं करता। तो वो पूछने लगा, या अली कौन सी खूबियां? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली खूबी जो अल्लाह की मखलूक को फौरन मुआफ़ कर देता है, और दूसरी खूबी कि जो इंसान दूसरे इंसानों की मदद करने में पहल करता है। याद रखना। वो इंसान जो अल्लाह की मखलूक की मदद करता है और अल्लाह की मखलूकात को जल्दी मुआफ़ कर देता है, तो अल्लाह उस शख्स से वादा कर देता है कि ऐ मेरे बंदे, जैसे तू मेरी मखलूक को फौरन मुआफ़ कर देता है इंसानों की मदद के लिए, फौरन अपने कदमों को बढ़ा देता है, तेरे खालिक का तुझसे वादा है कि मैं भी तेरी हर दुआ को फौरन कबूल कर दूंगा और जल्द से जल्द तुम्हें वो अता कर दूंगा जो तुम अपने लिए चाहते हो।